कक्षा 10 के बच्चे सभी ध्यान से अध्ययन करेंगे। मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ये जो पैराग्राफ हैं उनको करा दूँ। पैराग्राफ को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद या परिच्छेद, ठीक है। पैराग्राफ जो है शब्द वो अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, लेकिन वो इंग्लिश हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारी चीज़ों को अपने आप में समेट लेती है। पैराग्राफ एक तरह से हमें हिंदी ही लगता है, जैसे ट्यूबल, ट्यूबल शब्द इंग्लिश का है लेकिन हिंदी लगता है ना। तो आपको इसको याद रखना है, हमको ये पैराग्राफ या अनुच्छेद करने हैं आज। वैसे तो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है स्वयं प्रभा और डीडी यूपी पर, आप इनको देख सकते हैं। फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ इससे कि आपका अभ्यास सही से हो जाए। वहाँ शायद क्रम से मिल पाए ना मिल पाए, आपको किसी के पास यूट्यूब की व्यवस्था है, किसी के पास टेलीविजन की व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब पर कभी कभी नहीं मिल पाते हैं वो, तो इसमें हम देखते हैं, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें मिल जाएँ। तो मैं सीधा सीधा इसका अर्थ बताता हूँ और अर्थ धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूँगा। आपको दिमाग में बिठा लेना है, मैंने हर बार बताया है, धातु रूप, शब्द रूप, शब्द और कारक चिन्ह, इनको जरूर याद करना, क्योंकि बिना कारक चिन्ह के आप इनका अर्थ नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि कौन सी षष्ठी विभक्ति में काकी के लगता है, सप्तमी में पेपर लगता है ना, अपादान में पंचमी का प्रयोग होता है जो अलग होता है, से शब्द लगता है लेकिन से अलगाव के अर्थ में होना चाहिए, इस तरह के चिन्ह होते हैं तो उनसे अर्थ आपको आराम से लग जाता है। लेकिन आपको कल कारक को पता तो आना चाहिए कि जैसे इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक हुआ, षष्ठी विभक्ति है ना, संबंध कारक हो गया, इसमें षष्ठी है, इसमें षष्ठी है, इसमें द्वितीय है, इसमें षष्ठी है, इसमें सप्तमी है, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है और विभक्ति में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए अब समय ना गवाते हुए सीधे इनके अर्थों पर चलते हैं। आपको शब्द अर्थ यहाँ पे दे रखे हैं और अगर शब्द अर्थ देखने हैं तो मैं बोल रहा हूँ, उनको धीरे धीरे सुनते रहेंगे, एक एक शब्द की परिभाषा करता जाऊँगा और इससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कालिदासस्य नवनवोन्मेष शालिन्यः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति। पहले इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि कस्यचित् सुधया परोक्षम, कस्यचित् सुधया परोक्षम, ये अलग हो गया और यहाँ से ये चीज अलग हो गई। कस्यचित् सुधया परोक्षम मतलब किसी विद्वान ने परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब क्या होता है, जो समक्ष ना हो, या यहाँ पर जो अर्थ लगाया है इसका, अप्रसिद्धि रूप से आया तो है तो प्रसिद्ध तो हुआ तभी आया है। परोक्ष का मतलब जो प्रत्यक्ष ना हो, ऐसा बताया गया है। किसी विद्वान के द्वारा क्या बोला गया है, कालिदास की जो नए नए विकास से युक्त या नई नई चीजों को खोलने वाली बुद्धि, उन्मीलनम, उन्मीलन करने वाली, उन्मीलनम मूलनम नहीं है, मीलनम है, यानी खोलने वाली जो प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में नहीं है। अर्थात तो उनकी कृति, कृति का मतलब रचना, रचना का मतलब उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, कृति का मतलब किताबें, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनमें, उनको पढ़ने से ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि उन्होंने अपनी जो उनकी विकास युक्त जो बुद्धि थी उसका प्रयोग उन्होंने किया है। ये इसका तात्पर्य है, अर्थ तो आप उसका कैसा भी लगा सकते हैं लेकिन तात्पर्य इसका ही हुआ। तो एक बार फिर बता दूं अर्थ इसका थोड़ा सा, कालिदास की नई नई विकास से युक्त जो बुद्धि है उनकी कृतियों में नहीं है, ऐसा कश्चित् सुधया परोक्षम, किसी विद्वान का परोक्ष रूप से मानना है। चलिए अगली पंक्ति में चलते हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्शय। देखिए ऊपर तो कह दिया कि उनकी कृतियों में ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बुद्धि कहीं से पता चले कि इनकी नई विकास से युक्त बुद्धि है, तो नीचे कह रहे हैं ये नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसका उत्तर दे दिया उन्होंने। संस्कृत काव्य के अनेकों प्रमुख प्रकारों में, अनेकों प्रमुख प्रकार कैसे होते हैं, जैसे नाटक है, काव्य है, महाकाव्य है ना, खंड काव्य है, नीति काव्य है, इस तरह से बहुत सारे हैं, उन सभी में अनेक प्रकारों में स्वकौशलम, वो अपने कौशल का, अपने कौशल को प्रदर्य दिखा करके, अपने कौशल को दिखा करके क्या कर गए, स
कामानि कालिदास सर्वान अतीतान गतान कवीन अतिशिष्ये, मतलब सर्वान मानी सभी, अतीत और अनागत, अतीत अनागत मतलब भूतकाल के, अतीत मतलब भूत के और भविष्य के सभी कवियों का, है ना, कवीन अतिशिष्ये अतिक्रमण कर गए या उन सबसे श्रेष्ठ हो गए, ये इसका तात्पर्य हुआ। तो इन्होंने साफ कह दिया, ऊपर वाली बात खत्म हो गई अब, क्योंकि उनकी कृतियों में नई नई बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है। रघुवंशम कुमार संभवम चा, रघुवंश और कुमार संभवम तस्य महाकाव्यम द्वयम, उनके दो महाकाव्य, मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार उनके खंडकाव्य हैं। खंडकाव्य में भी मेघदूत कौन से गीति काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा, मैं बता रहा हूँ आपको। मालविका अग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति, मालविका अग्निमित्रम विक्रम उर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक हैं। तत्र रघुवंशम ना महाकाव्यम कवि कुल गुरो सर्वातिशायिनी कृति अस्ति, और इनमें भी, इनमें सब में, कौन में, रघुवंश कुमार संभव सभी जितनी भी पुस्तकें दे रखी हैं, तत्र यहाँ पर रघुवंश जो दे रखा है, रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वह कालिदास जी का, कवि कुल गुरु मतलब यहाँ कालिदास, पर्यावरण क्या हो गया था, कालिदास के लिए प्रयोग किया जाता है, कालिदास का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है रघुवंश जो है, रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास का सर्वश्रेष्ठ कृति है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण वर्ण नाम के एक राजा है वहां तक, इच्छाक वंशा अवंतस भूताना, इच्छाक वंश के आवरण भूत राजाओं में अवदान निरूपणम अस्ति, राजाओं का उदारता का, राजाओं की उदारता का, क्योंकि भूतानाम नृपति नाम राजाओं की उदारता का वर्णन है, ठीक है, किसमें, रघुवंश में। अगली उद्भाषण में चलिए अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये इनकी ये जो दे रखी हैं ये आप शब्द अर्थ याद कर लेना, और मैंने जो बताया उनको भी याद कर सकते हैं, और इसका ये यहाँ पर अर्थ दे रखा है, आप हिंदी में अर्थ भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको रोक के दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कालिदास के नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष अप्रसिद्ध कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में उनका कौशल दिखाकर भी अतीत भविष्य के सभी कवि में श्रेष्ठ हैं, उनके रघुवंश कुमार संभव दो महाकाव्य मेघदूत ऋतुसंहार खंड काव्य मालविका अग्निमित्र विक्रम उर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुल गुरु की श्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के छात्र वंश के उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन है, ये इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको छठवें को देख लेते हैं। एकोन विंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेत साम हृदय सत्यम आहलादयति। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब महाकाव्यम, कौन से महाकाव्य की चर्चा चल रही थी ऊपर, रघुवंश की, तो कह रहे हैं कि एक ऊन विंश, एक ऊन का मतलब क्या होता है, एक ऊन का मतलब होता है कम, ठीक है ना, ऊन का मतलब क्या हो गया, कम, तो एक ऊन का मतलब हो गया एक कम, विंश मतलब 20, 20 में से एक कम कर दो तो कितने बच्चे 19, अर्थात 19 सर्गों का यह है, इदम मानी यह है, यह कौन, रघुवंश, यह यानी रघुवंश महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीय और प्रतिपा होने के कारण, है ना, होने से सत्वन होना, सचेतसाम जो चेतना युक्त हैं, असहृदयक हैं, रसिक हैं, उनके हृदय को सततम आह्लादयति, निरंतर आह्लादित करता है, आनंद प्रदान करता है, ये इसका मतलब है। आह्लाद का मतलब
आनंद देना। सचेत साम तो वैसे मतलब होता है जो चेतना युक्त है, तो सचेत साम चेतना युक्त कौन पढ़ेगा उनको? मनुष्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम्। कुमार संभव में क्या है? स्वामी कार्तिकेयस्य, कार्तिकेयस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, ध्यान रखना। कुमार संभव में इसमें सप्तमी का प्रयोग है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिक का जन्म के बारे में वर्णन किया गया है, या स्वामी कुमार संभव में स्वामी कार्तिक का जन्म की कथा वर्णित है, इस तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है, इदम अपि महा इदम अपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। यह इदम अपि, यह भी, इदम मानी यह, इदम मानी यह, यह कौन? कुमार संभव भी काव्यम, कुमार संभव काव्य भी अष्टादश सर्ग, अष्टादश का मतलब क्या होता है? अठारह सर्ग का है। ठीक है, केचन समीक्षिका अष्टम सर्ग पर्यंतमेव, केचन समीक्षिका कुछ समीक्षक हैं जो अष्टम सर्ग पर्यंतमेव, अष्टम मतलब आठ सर्ग पर्यंत ही काव्यम इदम, यह काव्य कालिदास प्रणीतम, कालिदास के द्वारा रचा गया है, इति मन्यते, ऐसा मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। काव्यम इदम, यह काव्य कालिदास प्रणीतम, कालिदास के द्वारा रचित है या कालिदास की रचना है, इति ऐसा, इति मानो इति मतलब का मतलब याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, इति का मतलब होता है ऐसा, है? इति मन्यते, ऐसा मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो, मेघदूत में यक्ष यक्षिणी का, है ना, यक्ष यक्षिणो यक्ष यक्षिणी का वियोग आश्रय आश्रित, वियोग का आश्रय लेकर के या वियोग का आधार बना करके विप्रलंब श्रृंगारस्य, विप्रलंब श्रृंगार का षष्ठी का प्रयोग याद रखना, पूर्ण परिपाक दृश्यते, पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ठीक है, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया क्षणाम ऋतूणाम वर्णम अस्ति। ऋतु संहार में इसमें सप्तमी का प्रयोग है, ध्यान रखना। संहारे अन्वर्थतया, जैसे का नाम है उसका अर्थ के अनुसार ही, क्षणाम ऋतूणाम छह ऋतुओं का, क्षणाम ऋतूणाम बहुवचन का प्रयोग है षष्ठी का, वर्णम अस्ति वर्णन है, सरल है बहुत, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। एक एक शब्द का अर्थ लगाओ, विभक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग हो जाएगा। मालविका अग्नि मित्रम नाटके, सप्तमी आ गई, नाटक में अग्नि मित्र से षष्ठी आ गई, मालविकायाश्च षष्ठी आ गई, यानी अग्नि मित्र और मालविका का प्रेम आख्यानम अस्ति, प्रेम की कथा वर्णित है, अर्थात उसका आख्यान वर्णन है। पंचांगात्मके विक्रम और वशीय पुररवाह, सा पता नहीं कैसे रख दिया है उन्होंने, उर्वश्यश्च प्रेम कथा वर्णिता, यानी कि पंचम पांच अंकों का विक्रम उर्वशीय में, पांच अंकों के विक्रम उर्वशीय में पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है, प्रेम कथा के बारे में चर्चा की गई है, ये तात्पर्य इसका। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य, स्वनाम धन्य से अस्य कवि, उसके कवि यानी कवि की सर्वश्रेष्ठ, यह कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति, नाटक की नाट्यकृति है, अर्थात नाट्य रचना है, कृति मतलब रचना, ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो जैसा इसका नाम है, नाम से ही ये अपने नाम के अनुसार ही यह जो कवि हैं, कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नाटके अस्मिन, इस नाटक में, देखो अस्मिन और नाटके दोनों सप्तमी का प्रयोग है, अस्मिन भी सप्तमी विभक्ति का है, नाटके भी। सप्तंका, सप्तंका संति, सात अंक हैं इस नाटक में, कितने अंक हैं? सात अंक हैं। मेनकाया तृतीय विभक्ति का है, प्रसूतोजिताया शकुंतैश्च पोषिताया, यानी कि मेनका के द्वारा प्रसूता उज्जिताया, प्रसूता का मतलब जन्म देकर, जन्म देना, उज्जिता मतलब छोड़ना, जन्म देकर छोड़ी हुई शकुंतैश्च, और शकुंतैश्च माने पक्षी, शकुंतैश्च का मतलब पक्षियों से पोषित,
या पक्षियों से पालित पाली गई। तदनंतरम उसके बाद कण्वेन परिपालिताया, कर्ण के द्वारा परिपालित पालित किया गया, पालन की हुई। अब ये जो विभक्ति लग रही हैं, पोषिताया उज्जिताया परिपालिताया, क्यों लग रही हैं? षष्ठी का ही प्रयोग किया गया है। कारण ये है क्योंकि ये सब विशेषण हैं, ये विशेषण इन तरह कार्य कर रहे हैं शकुंतला का, है ना। कैसी शकुंतला? वो शकुंतला जो छोड़ी गई थी जन्म देकर मेनका के द्वारा। कौन सी शकुंतला? वो जो पक्षियों के द्वारा पोषित हुई थी। कौन शकुंतला? वो शकुंतला जो कण्व ऋषि ने पाली थी। इस तरह से इसका विशेषण हो गया ये, ठीक है, विशेषता में चला रहे। इसलिए सब में शकुंतला को आधार बना करके सृष्टि का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए, दुष्यंतेन शकुंतलाया, शकुंतला का दुष्यंतेन सहोद वहस्य कथा वर्णितम अस्ति, दुष्यंत के साथ विवाह का वर्णन है। शकुंतला का दुष्यंत के साथ वर्णन है। शकुंतल विषय प्रतितेशा वर्णति, शकुंतला के विषय में यह प्रसिद्धि है। क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रम्य और नाटक में वहां भी, यानी उन नाटकों में भी क्या है, रम्या शकुंतला है। गंगा शकुंतलम सुंदर है। ये तन्नाटकम प्राच्य पौरस्त्यी समीक्षकई बहु प्रशंसितम। देखिए इन सब में क्या है, तृतीय का प्रयोग किया गया है, तृतीय व्यक्ति का। इस नाटक को प्राच्य और पौरस्त्य यानी पश्चिम के और पूर्व के विद्वानों के द्वारा, तृतीय का विभक्ति का प्रयोग है, बहुत प्रशंसा की गई है। अर्थात उन्होंने बहुत प्रशंसा इसकी की है। तो इसका यह अर्थ हो गया और आप इसका इसमें यहाँ से शब्द अर्थात कर सकते हैं, ठीक है। उद्वाहस है पक्षियों के द्वारा, उद्वाहस का मतलब क्या बताया, विवाह की प्रतिता बढ़ती कथा में, मैंने प्रसिद्ध कथा में, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, आप इसका यहाँ से 19 सर्गों वाला यह रघुवंश महाकाव्य सुंदर रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण रसिकों के हृदय को निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभवम काव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। कुछ आलोचक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हुए मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग को आधार बनाकर विप्रलम्भ श्रृंगार का, देखिए श्रृंगार इसमें शब्द गलत लिखा हुआ है, ठीक है। श्रृंगार जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से आता है, केवल ये रहता है, ठीक है। या इसको आप, ये इसका रूप है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो श्रा है वो ऐसे ही लिखा है, इसका ही ये रूप है। ये डंडा देखो, ये यहाँ पे आ गया और इसको यहाँ से उठा करके मिला दे तो ये बन गया, ये ऐसे करके, ठीक। तो ये यहाँ पर श्रृंगारण और पूरा श्रा बना दिया, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो हो जाता है। श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु श्रृंगार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। पांच अंकों वाले विक्रम ऋषि नाटक में पुर रवा उर्वशी के प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम में इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। इस नाटक में 7 अंक है। मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षी के द्वारा पोषण की गई। देखिए सब विशेषण है ये, ठीक है ना। कौन? मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षियों के द्वारा पोषण की गई। कौन? शकुंतला। उसके बाद कर्ण के द्वारा पालन की गई। कौन? शकुंतला है। वही विशेषण विशेषता बतला रहे हैं। तो शकुंतला को दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतलम नाटक के विषय में युक्ति प्रसिद्ध है कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है, उसमें शकुंतला विज्ञान शकुंतलम सुंदर है। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की। ये इसका तात्पर्य हो गया, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा हो गया है वीडियो।